हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल क्रिएटिव माफिया। आज की वीडियो में हम ये क्यूट सा टेडी बेयर बनाना सीखने वाले हैं। ये इसके मटेरियल्स हैं, सबसे पहले ऊन एंड उसके बाद स्टफिंग के लिए मैंने ये सिंथेटिक कॉटन यूज़ लिया है। देन मार्कर्स या फिर आप किसी और कलर का ऊन यूज़ कर सकते हो, सीज़र एंड क्रोशे, ये 3.5 mm है। एंड देन लास्ट नीडल सारे पार्ट्स को स्टिच करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे कुछ ऐसे। ओके, तो अब इस मैजिक सर्कल के अंदर हम 6 चेन बनाएंगे। अब इन दोनों में से निकालना है। तो ये हमारी फर्स्ट चेन बनी, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6। ओके, जैसे आपको दिख रही है 6 चेन्स कंप्लीट हो गई है। अभी हम इस सर्कल को क्लोज करेंगे। तो इन धागों को खींच के हमें कुछ ऐसे इसे क्लोज करना है। तो ये क्लोज हो गया है, हमारी फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो में 12 चेन्स आएगी। तो हमारी जो फर्स्ट चेन है ये वाली, इसके अंदर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड फिर से उसी के अंदर 2 एंड फिर से ऐसे ही 1 एंड उसी में 2। ओके, तो सेकेंड रो फिनिश हो चुकी है। नाउ हमारे पास 12 चेन्स हैं। नाउ थर्ड रो स्टार्ट करने से पहले हम हमारी जो लास्ट चेन है इसके अंदर मार्कर लगाएंगे, सो दैट हमें पता चले जब हमारी न्यू रो स्टार्ट हो रही है। ओके, थर्ड रो के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट में सिंगल, देन इंक्रीज, देन सिंगल एंड देन इंक्रीज। इंक्रीज के अंदर हम एक ही चेन में, एक ही स्टिच में 2 चेन्स लेंगे। तो फर्स्ट सिंगल एंड देन इसमें इंक्रीज है, सेम के अंदर एक और बार, देन अगेन सिंगल, देन इंक्रीज, then single, then increase। तो हम मार्कर तक यही पैटर्न फॉलो करेंगे, सिंगल देन इंक्रीज, सिंगल एंड देन इंक्रीज।
ओके, तो मार्कर वाली जगह पे हमारा इंक्रीज आया है। एंड अब हम फिर से मार्कर को प्लेस करेंगे लास्ट चेन के अंदर। ओके, फोर्थ रो में दो सिंगल देन इंक्रीज, देन अगेन दो सिंगल देन इंक्रीज। तो ये सिंगल, अगेन सिंगल चेन एंड देन इंक्रीज। तो वन एंड इसी के अंदर टू, फिर से सिंगल अगेन सिंगल एंड देन इंक्रीज। ओके, नाउ रो फिफ्थ, इसमें थ्री सिंगल देन इंक्रीज, देन अगेन थ्री सिंगल देन इंक्रीज। तो फर्स्ट सिंगल चेन, देन अगेन सिंगल चेन, सिंगल चेन एंड नाउ इंक्रीज। फिर से यही सिंगल चेन, सिंगल सिंगल एंड देन इंक्रीज। ओके, रो सिक्स, इसमें क्या करना है, फोर सिंगल एंड देन इंक्रीज। तो वन टू थ्री फोर एंड देन इंक्रीज। इसी को रिपीट करना है, फोर सिंगल एंड देन इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट रो में फाइव सिंगल एंड देन इंक्रीज। तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड अभी इंक्रीज। ओके, इस रो के अंदर सिक्स सिंगल एंड देन इंक्रीज। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड नाउ इंक्रीज। फिर से यही वन टू
3, 4, 5, 6, and now increase. ओके अभी नेक्स्ट 16 रोज हमें विदाउट इंक्रीज हर एक स्टिच में सिंगल चेन्स बनानी है. ओके तो मैंने 16 रोज कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ अब क्या करना है, चेन 6 एंड देन डिक्रीज. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी डिक्रीज करना है. तो डिक्रीज करने के लिए जो हमारे फ्रंट लूप्स होते हैं सिर्फ उसी के अंदर डालना है ऐसे, एंड फिर ऐसे निकाल के ये हो गया डिक्रीज. देन अगेन 6 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अभी डिक्रीज फ्रंट लूप्स के अंदर डालेंगे 2 चेन्स में ऐसे, ओके. तो हम यही रिपीट करेंगे मार्कर तक 6 चेन्स एंड देन डिक्रीज. ओके अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, चेन 2, 1 एंड 2 एंड नाउ डिक्रीज. अभी चेन 5 एंड देन डिक्रीज. सो 1, 2, 3, 4, 5 and then decrease. तो इस रो में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है, चेन 5 एंड डिक्रीज.
Okay, row number 19, 4 chains and then decrease. So 1, 2, 3, 4, and now decrease. Again, 1, 2, 3, 4, now decrease. Row 20, इसमें क्या करना है? Chain 1, now decrease. Now chain 3, 1, 2, 3, and now decrease. Then again chain 3 and decrease. Okay, abhi last row. Iske andar chain 6 and then decrease. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abhi decrease. फिर से ये repeat करना है, chain 6 and then decrease. ओके, वो रो फिनिश होने के बाद हमें लास्ट में एक स्लिप नॉट बना के फिर अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 सेंटीमीटर लंबा धागा छोड़ना है स्टिच करने के लिए. और ये हमारा हेड रेडी हो गया है. अब हम इसको फिल करेंगे. ओके, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसको फिल करने के लिए. सिंथेटिक कॉटन है ये. तो अभी आप इसकी आईज अटैच कर सकते हैं. यहाँ से 13th रो में इसकी आई अटैच होगी. तो मैं ये वाली यूज़ लूँगी. आप ये इसके पीछे इसको लॉक करने के लिए आता है. आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो आई लॉक हो जाएगी. मैं अभी नहीं लगा रही, मैं बाद में लगाऊँगी. आप अभी लगा सकते हो. तो अब बस इसको अच्छे से स्टफ़ करना है. ये रेडी हो गया है, हमारा हेड तैयार है. ओके, अब हम टेडी बेयर के कान बनाने वाले हैं. तो स्टार्टिंग में हमें वैसे ही मैजिक सर्कल में 6 चेन्स बनानी है. ओके, तो ये चेन 1, 2, 3, 4, 5, and 6. ओके, 6 चेन्स कंप्लीट हो गई है. अभी हम इस सर्कल को क्लोज करेंगे. तो ये जो धागे हैं इन्हें हम खींचेंगे कुछ ऐसे.
ओके, तो ये सर्कल क्लोज़ हो चुका है। तो अब यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो फर्स्ट चेन थी इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे। एंड देन फिर हमारी ये लास्ट चेन के अंदर से दोबारा निकालेंगे ऐसे। ओके, नाउ चेन वन। ओके, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड में हमें 12 चेन्स चाहिए, तो हम हर स्टिच में 2 चेन्स बनाएंगे। ओके, तो सेकेंड रो भी फिनिश हो गई है। अब हम इसे भी वैसे ही ज्वाइन करेंगे एंड में, जैसे हमने फर्स्ट रो को किया था। तो ऐसे हमारी फर्स्ट चेन के अंदर से हम इसे ऐसे निकालेंगे एंड देन लास्ट चेन के अंदर से दोबारा निकालेंगे। एंड सिंपली चेन वन। तो हमारा सेकेंड रो भी फिनिश हो चुका है। तो थर्ड रो में हमें क्या करना है, चेन वन देन इंक्रीज, देन चेन वन देन इंक्रीज। तो यहाँ पे चेन वन देन इंक्रीज। अगेन चेन वन एंड नाउ इंक्रीज। सो थर्ड राउंड में हमें यही फॉलो करना है, चेन वन एंड इंक्रीज। ओके, अभी नेक्स्ट टू चेन्स हमें विदाउट एनी इंक्रीज, वन चेन इन ईच स्टिच। ओके, तो मेरी 5 रोज कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट रो को ज्वाइन करना है ऐसे। एंड चेन वन, और अभी 15 से 20 सेंटीमीटर छोड़ना है स्टिच करने के लिए और रिमेनिंग को कट करना है।
बस ऐसे ही हमें दूसरा कान भी बनाना है, दूसरा ईयर भी ऐसे ही रेडी करना है। तो अब हम टेडी का मज़ल बनाएंगे। तो फर्स्ट टू रोज वैसी ही है जैसे हमने ईयर में बनाई थी, तो इसमें अभी मैं सेकंड रो ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, चेन वन। तो थर्ड रो के अंदर इसमें फर्स्ट सिंगल, देन इंक्रीज, देन अगेन सिंगल, देन इंक्रीज। ओके, थर्ड रो फिनिश हो चुकी है। फोर्थ रो में हमें क्या करना है, वन चेन इन ईच स्टिच। इसमें हम कुछ इंक्रीज नहीं करेंगे, सिंगल चेन इन ईच स्टिच। ओके, तो ये भी रेडी हो गया है। इसमें भी 20 से 25 सेंटीमीटर धागा छोड़ दो, बाकी कट कर दो। तो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हम बनाएंगे पार्ट टू में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।